Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In today's video, I will tell you what is Res Judicata. Pichli video mein maine Res Subjudice ke baare mein bataya tha. Is video mein we will discuss about Res Judicata, which is very important and which is very much similar to the concept that is Res Subjudice. मैं बता दूं जो सेक्शन रेस जुडिकेटा जो है ये सेक्शन 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डिफाइंड है. बेसिकली अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो मतलब यही है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर बाय चांस आपने एक केस फाइल किया, उसका जो जजमेंट भी आ गई है, सब कुछ आ गया, आपके जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं पार्टीज के बीच में वो भी डिसाइड हो चुकी है, और सपोज मान लो कि उसका जो जजमेंट है वो आपके फेवर में नहीं गई और आप उस जजमेंट से खुश नहीं हैं, क्या आप वो जो केस है दोबारा फाइल कर सकते हो किसी और केस में, किसी और कोर्ट में? पहले वाले थ्योरी में क्या था कि दोनों सूट्स जो है पेंडिंग है, आपने जो पेंडिंग सूट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में फाइल किए हैं. बट व्हाट हैपेंस दिस थ्योरी इज कि आपका जो केस है उसका जजमेंट आ चुकी है, बट स्टिल आफ्टर गेटिंग दैट जजमेंट एंड आफ्टर गेटिंग दैट राइट्स एंड लाइबिलिटीज, when you are unhappy with that judgment, then you are filing another case in next court, in the another court. So can this happen? So the answer to this question is again no, a big no. आप ऐसे भी नहीं कर सकते. जो सेम सूट जो है, सेम पार्टीज़ के अगर बीच में है, सेम मैटर एंड इशू है, मीन्स कि डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इशू जो है वो सेम है, वो दो सूट्स हैं, तो वो जो है आप नेक्स्ट दूसरे केस में कोर्ट में जो है आप नहीं फाइल कर सकते. हाँ, अगर इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द जजमेंट आप जो है अपील लेके जा सकते हो. अपील के लिए आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट यू कैन नॉट फाइल अ सूट अगेन. So let's discuss ki what are the essentials of res judicata. So the first essential is two suits. Difference samajh mein aaya? पहले पिछले वाले में क्या था और इस वाले में क्या है? मैंने पिछली वाली जो concept जो discuss किया था उसमें मैंने two pending suits लिखा हुआ था और यहाँ पे मैंने सिर्फ दो suit लिखा हुआ है. Why? Because कि जो पहला suit है उसकी judgment आ गई है तो वो pending अब नहीं है. So the first essential is two suits. And the second essential is same, that is same parties, between the same parties, दोनों parties same हैं, अगर A and B हैं तो same हैं. और वो ऐसा हो सकता है कि वो जो C है अगर किसी अपने representative के through अगर case file किया है तो वो भी हम same parties ही consider करेंगे. And next is the matter and issue is directly and substantially same, it is not collateral and incidental. जो parties के बीच में जो matter है वो बिल्कुल same है, उनको सेम है, विच मीन्स कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम उनके बीच में मैटर एंड इशू है, प्लस उनसे उनको सेम रिलीफ मिलेगा. दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम. सो द नेक्स्ट असेंशियल इज अर्लियर कोर्ट इज का, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, कोई भी जो पहला केस जो है वो रेस जुडिकेटा तभी बनेगा जब पुराना जो केस था वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने क्या बोलते हैं एंटरटेन किया उसको. अगर वो जो केस है मतलब कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर अगर उसको जजमेंट मिली है तभी वो जो है रेस जुडिकेटा माना जाएगा, विच मीन्स कि जो अर्लियर कोर्ट जो है जिसने वो सूट जो है वो जो केस है वो जिसकी जजमेंट दी है वो कॉम्पिटेंट होगा उसको ट्राई करने के लिए. Now last is that is it must be heard and finally decided, which means कि उसकी judgment आ गई है, rights and liabilities दोनों की decided है, means कि दोनों parties को मतलब कि जो proceedings हैं वो सुनी हैं, दोनों parties को सुना है, तब जाके court ने उनको सुना है, plus finally decision अपना judicial mind apply करके decision दिया है और जो है judgment आ गई है. अगर ये सारे cases अगर ये सारी essentials अगर fulfill हो गई then the previous suit जो previous case जो है that will act as a res judicata और जो दूसरा suit है उस वो क्या बोलता है वो prohibited हो जाएगा आगे further trial conduct करने के लिए. अब यहाँ पर एक important चीज़ और है. See, पहले pause the video and tell me what you mean by ex parte decision. Ex parte, आई होप मोस्टली आप लोग समझ रहे होंगे एक्सपार्टे मीन्स कि अगर एक पार्टी एब्सेंट है उसको हम बोलेंगे एक्सपार्टे. इज इट सो? पॉज द वीडियो एंड थिंक. सो एक्सपार्टे डिसीजंस आर दोज डिसीजंस व्हेन डिफेंडेंट इज एब्सेंट. सी, केस जो फाइल करता है उसको केस जो फाइल करता है मीन्स जो प्लेंट फाइल करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेंटिफ. तो दूसरा
दूसरी पार्टी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट. अगर जो डिफेंडेंट है अगर वो एब्सेंट हो जाएगा, मींस वो क्या डेट्स पे नहीं आ रहा, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि जज मतलब कि जो केस है वो एक्सपार्टे हो गया. अगर बाई चांस प्लेंटिफ अगर एब्सेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे, अगर प्लेंटिफ एब्सेंट हो जाता है तो उसको वो सूट जो है डिसमिस हो जाता है. बट एक्सपार्टे डिसीजन तभी होता है जब डिफेंडेंट इज एब्सेंट. मोस्टली मैंने देखा था कईयों को ये कन्फ्यूजन होती है कि एक्सपार्टे में वो बोलते हैं कि जब पार्टी कोई भी पार्टी एब्सेंट होती है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एक्स पार्टे मीन्स व्हेन डिफेंडेंट इज एब्सेंट. तो क्या एक्स पार्टे डिसीजन को हम रेस जुडिकेटा मानेंगे? द आंसर इज येस. अगर एक्स पार्टे डिसीजन अगर कोई हुआ है कि प्लेंटिफ की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो जज ने कम्प्लीटली हियर करी है, मतलब कि दे हैव बीन फाइनली हर्ड, तो अगर उसके बेसिस में अगर जजमेंट दी है तो वो जो है वैलिड होगी, वो एज अ रेस सब्जुडिकेटा मानी जाएगी, रेस जुडिकेटा मानी जाएगी. अब नेक्स्ट बात ये आती है, चलो एक छोटा सा बच्चों वाला एग्जांपल ले लेते हैं. जब हम छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं लड़ाइयाँ होती हैं हमारे बीच में, ये मेरा पेन है, ये तेरा पेन है. तो सपोज़ ए इज़ अ चाइल्ड एंड बी इज़ अ चाइल्ड. ए बोलता है वो पेन मेरा है, बी बोलता है ये पेन मेरा है. दोनों चले गए टीचर के पास. वो बोल तो देन टीचर आस्क कि ये पेन किसका है. उनके बीच में वो अपनी अपनी जो है आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि मैं लेके आया था, मेरी मम्मा ने मेरे को दिलाया था, ऐसे ऐसे एंड ऑल दैट. एंड देन बाद में बहुत टीचर ने डिसाइड करा, मतलब उन दोनों की बातें सुन के, मतलब किसी एक बच्चे को जो है सपोज़ बी को जो है वो पेन दे दिया. एंड बाद में दो दिन बाद वो दूसरा जो बच्चा है वो अपने क्या बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट्स लेके आता है कि नहीं मैम मैं तो रोज़ लेके आ रहा था उस पेन को, इससे पूछ लो उससे पूछ लो. तो क्या उस केसेस में जो टीचर है वो पेन जो है बी से लेके दोबारा ए को दे देगी? द आंसर इज नो. मतलब कि वो तो खैर अलग ही चीज़ है, बट वो एक एग्जांपल मैंने आपको लेके समझाया कि कोर्ट में जब तक जजमेंट नहीं आ जाती, जजमेंट एक बार अगर पास हो गई, अगर एक बार जजमेंट आ जाती है तो उसके बाद आप एक न्यू केस फाइल नहीं कर सकते सेम ही उस पर कि मतलब कि एक ही केस में बेसिकली आपको जितने भी अटैक एंड डिफेंस लेने हैं वो आप एक ही केस में ले सकते हो. अगले अटैक एंड डिफेंस के लिए आप नेक्स्ट सूट जो है फाइल नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, विच मीन्स कि आपको जितने ही अपने बिहाफ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देनी है, कितने भी अटैक एंड डिफेंस लेने हैं, वो आप एक ही केस में अगर बोल सकते हो. आप उसी डिस्प्यूट का अनदर सूट फाइल नहीं कर सकते अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए. दिस इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेस जुडिकेटा, और मैंने पहले बताया था रेस सबजुडिस. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. This is all about today's video. I hope it's clear. If there are still any doubts remaining, please mention in the comment section below. I will see you in the next video.